राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़का तड़का मॉर्निंग की कोल्डनेस में एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो भाई जो सीईटी की जो परीक्षा तिथि है इसको लेकर चेयरमैन साहब का बड़ा बयान जारी हुआ है, देख लो पेपर पेपर कद होगा, क्या कुछ मामला है क्या नहीं है, देखो भाई फटाफट। उससे पहला भाई जो टेस्ट बुक नामक जो ऐप है जिसके ऊपर आप लोग मॉक टेस्ट देगी देखिया करो, इसके ऊपर सेल लगी है भाई, ठीक है। अर्थिया सेल सिर्फ 24 घंटे खातर है आपकी, या सेल मतलब कि ईब है तो यानी कि कल सुबेर लगी या सेल चाल लगी। इसके ऊपर के है कि जो टेस्ट बुक का जो पास है वो आपको ओनली 360 रुपया मिल जाएगा, नहीं तो आपसे 399 रुपया मिले। अगर टेस्ट बुक का जो पास है आपका वो 399 में मिला है लेकिन ईब आपसे 360 में मिल जाएगा। कैसे मिला? आपको सिर्फ ये कोड यूज़ करना, कैपिटल जे कैपिटल टी कैपिटल टी जे टी टी, इसके ऊपर आप लोग मॉक टेस्ट देगी देख सको। जो कर अपना जो भी ईबागा सी ई टी का पेपर होना है ना, इसका तो बता मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके देखना चाहो तो मॉक टेस्ट देगी देख सको। ये पूरा साल का पैकेज है, यो 399 वाला ये पूरा साल का पैकेज होया। अगर इसमें अगर यो कोड लगाए दोगे ना जे टी टी तो 39 रुपया की छूट मिल जाएगी, 360 रुपया में मिल जाएगा नुक्का नो। और अगर तो हम लोग अमेजन पे वाला जो वैलेट हो है उस तक अगर पेमेंट करोगे तो 50 रुपया की और भी छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी कर सको, मॉक टेस्ट लगा के देख सको हो आप लोग। टेस्ट बुक के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेल लग रही है आज, आज का नाम की सेल है, चेकआउट मार सको हो भाई। ईब देखो भाई खबर क्या आई है, एक तो यो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एएलएम पदों की ज्वाइनिंग रुकवा दी है भाई। जोन से एएलएम वाले थे इनका मैं फिर गलती हो गई थी, इन पर आंसर की ना गलत बनाई दी थी, 4% का फिर लफड़ा हो गया था, तो बढ़िया है ठीक टाइम पर बेरा लग गया, एक दोबारा तो फिर रिजल्ट बनेगा एएलएम वाले का। सुन गया भाई करीबन देख लो दे रखे करीबन 400 उम्मीदवारों पर असर पड़ सकेगा भाई। एएलएम का जो रिजल्ट चेंज करेंगे इस तकरीबन 400 उम्मीदवार हैं वो बार भीतर हो जाएंगे भाई। ये तो गलत है काम है, बेचारे एक बार खुश कर दिए फिर उनकी गोभी खोद दिए हैं, 2 मिनट लगे ना तो कहना माँ भाई रिजल्ट संशोधित कर दिया मैंने। ये देखो भाई सीईटी की तारीख 8 जुलाई के बाद है तय होगी, चेयरमैन साहब का बयान आया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी से दैनिक सवेरे ने पूछा कि सीईटी की तारीख कब तय होगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, आपका जो सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन चलने लग रहे हैं, यह प्रक्रिया 8 जुलाई तक चलेगी। 8 जुलाई तक ना मेरा सीईटी का पेपर के फार्म भरने की लास्ट डेट है और फीस 13 जुलाई तक जमा हो सकेगी। फीस भरने की जो लास्ट डेट है आपकी 13 जुलाई है। उन्होंने बताया जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डाटा 13 जुलाई को आयोग के पास आ जाएगा तब उसकी जानकारी एनटीए को है भेजी जाएगी। एनटीए ही सीईटी की तारीख की जानकारी देगी भाई, एनटीए तय करेगी सीईटी की तारीख। चेयरमैन साहब के हाथ में कुछ को नहीं, कदे तानू समझ दो चेयरमैन साहब या फिर जो एचएसएससी है एचएसएससी के हाथ में नहीं है सीईटी की तारीख तय करना, एनटीए के हाथ में है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों की जो जानकारी एनटीए को भेजी गई है वह उसकी फिजिकल जांच कर रही है, मतलब जो एनटीए वाले का दौरा है इसकी जानकारी भेजी जा चुकी है, वह कड़े कड़े पेपर लेने क्या कुछ है, तो वह एनटीए वाले उनकी जांच करने लग रहे हैं पेपर केंद्र है सुरक्षित है कोनी नकल नकल का के कुछ जुगाड़ है। एनटीए ने सीईटी की तैयारियां शुरू कर दी है भाई, सेंटर जांच करने लगे तो यानी कि तैयारी शुरू कर दी है एनटीए वाले ने। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने जोर देकर कहा कि आगामी अगस्त में सीईटी अवश्य होगा, तो भाई तैयारी में जुट जाओ, सिर्फ एक महीना रह रहा है, आगामी अगस्त का जो महीना है इसका में सीईटी आपका 100% है ले लिया जाओगा, ऐसा चेयरमैन साहब ने कहा है, ठीक है। तो अपनी तैयारी का बूढ़े डाल जुट जाओ, सीईटी की तारीख एनटीए तय करेगी करीबन समझो 20-21 जुलाई लग सीईटी की तारीख का तब ना मेरा पार्ट लेगा, आगे बात समझना। तो यह सूचना तारती देनी थी, अपना तैयारी का में जुटे रहो, परीक्षा तिथि को लेकर बयान था वो तारती बता दिया है, इब लाना ले लो और खाए जाओ फटाफटी बढ़ता, गर्मी बहुत हो रही है।